स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सिविल ब्रांच थर्ड ईयर का जो सिक्स्थ सेमेस्टर है उसका सब्जेक्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का आज हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर, उसके लिए थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी में देखो एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी थ्योरी बेस्ड 17 मार्क्स की, जिसमें से 20 मार्क्स आपको मिलने चाहिए और उसके लिए टाइम रहेगा 3 आवर्स का टाइम रहेगा। उसके साथ उसके लिए प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी है, उसमें 30 मार्क्स है, 30 में से 10 मार्क्स रहेंगे माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स रहेंगे यूनिट टेस्ट के लिए। तो टोटल 17 + 30 यहाँ पे 100 हो जाते हैं और 100 में से 40 मार्क्स आपको चाहिए। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी 25 मार्क्स की, जिसमें से 10 मार्क्स मिलने चाहिए और प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी है प्रैक्टिकल के लिए, उसके लिए भी 25 मार्क्स है, 25 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये 25 + 25 50 मार्क्स हो जाते हैं और 50 में से 20 मिलने चाहिए। तो इस तरह से टोटल सेमेस्टर का यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके बाद हम सिलेबस देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सिलेबस में यहाँ पे टोटल यूनिट्स दिए हैं और वो यूनिट का यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। तो ये टोटल 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे सेमेस्टर हो जाता है, मतलब यही यूनिट आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में आ जाएगी। तो देखो सबसे फर्स्ट यूनिट यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है 8 मार्क्स के लिए, कॉजेस एंड डिटेक्शन ऑफ डैमेजेस है 10 मार्क्स के लिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 देखो मटेरियल्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ये भी 14 मार्क्स के लिए चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखो मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेथड्स फॉर मशीनरी, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेथड्स फॉर आरसीसी के लिए, ये भी 14 मार्क्स के लिए चैप्टर आएगा। और 6th नंबर का चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड बजट, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 17 मार्क्स का आपका ये सिलेबस हो जाता है। तो इतना सब सिलेबस है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो अब हम इंडिविजुअल टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे तो आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट में हम एक्चुअली क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, सब कुछ हम बेसिक चीज़ें यहाँ पे जान जाएंगे जो कि 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाएगा ये यूनिट नंबर 1। तो देखो इसमें सिलेबस में 1.1 में मेंटेनेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन है, रिपेयर है, रेट्रोफिटिंग है, रिस्ट्रेंथनिंग है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन है एंड रिस्टोरेशन है। तो ये सब कुछ पॉइंट हम 1.1 में डिस्कस करेंगे। 1.2 में देखो नेसेसिटी है, ऑब्जेक्टिव्स है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, सब कुछ हम 1.2 में डिस्कस करेंगे। 1.3 में देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, ठीक है, 1.3 में। 1.4 में देखो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है। 1.5 है अप्रोच ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ठीक है, मैनेजमेंट देखेंगे। 1.6 में देखो पीरियोडिकल मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस के टाइप है जो हर पीरियड में 6 मंथ में या फिर 1 ईयर के बाद जैसे पेंट हो गया तो भी एक मेंटेनेंस है, वो सब कुछ हम देखेंगे। मेंटेनेंस मैनुअल कंटेनिंग बिलिंग प्लान है, रेनफोर्समेंट डिटेल्स है, मटेरियल सोर्सेस है, ठीक है, जो भी सिलेबस है सब कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे 1.6 में। तो देखो इतना टोटल सिलेबस है यूनिट नंबर 1 के लिए बेसिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 देखो कॉजेस एंड डिटेक्शन ऑफ डैमेजेस है 10 मार्क्स के लिए, जिसमें सिलेबस देखो 2.1 में हम कॉजेस ऑफ डैमेज ड्यू टू डिस्ट्रेस है, अर्थक्वेक है, विंड है, फ्लड है, ठीक है, डैम्पनेस है, कोरोजन है, फायर डिलेपिडेशन है और टर्माइट्स है, ठीक है। तो ये कॉजेस है डैमेजेस के जिसके वजह से डैमेज होता है स्ट्रक्चर को, ये सब कुछ हम 2.1 में डिस्कस करेंगे। 2.2 में देखो सिस्टमेटिक अप्रोच देखेंगे ऑफ डैमेज
डिटेक्शन के लिए वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल ऑब्जर्वेशंस फॉर डिटेक्शन ऑफ डैमेज। और 2.3 में देखो टेस्ट ऑन डैमेज स्ट्रक्चर्स है, जिसमें रिबॉन्डहाइमर टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी है, रीबार लोकेटर है, ठीक है। ये सब कुछ टेस्ट में आपको वीडियो के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। कवर गेज है, ठीक है, क्रैक डिटेक्शन माइक्रोस्कोप है, तो जो भी सब कुछ, जो भी टेस्ट है, सब कुछ हम यहाँ पे आपको ऑन प्रैक्टिकल वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो चुका है यूनिट नंबर 2 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 देखो, मटेरियल्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, जो कि 14 मार्क्स के लिए आएगा। और इसमें देखो सिलेबस देखो 3.1 में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मटेरियल सिलेक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है। 3.2 में देखो एंटी कोरोजन कोटिंग मटेरियल्स है, ठीक है, जिसमें एंटी कोरोजन होता है सब कुछ, हम सीमेंट स्लरी मोटर है, ठीक है, पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट स्लरी एंड इपॉक्सी जिंक रहता है, वो सब कुछ हम देखेंगे 3.2 में। 3.3 में देखो एडेजिव मटेरियल्स है, ठीक है, क्या क्या एडेजिव रहती है, सॉल्वेंट क्या रहती है, सब कुछ, इपॉक्सी एडेजिव रहता है, प्लास्टिसाइजर एडेजिव रहता है, ठीक है, जो भी एडेजिव है सब कुछ हम 3.3 में देखेंगे। 3.4 में देखो मोटर रिपेयरिंग रिपेयर मटेरियल्स है, जिसमें देखो सीमेंटेशियस मोटर रहता है, पॉलीमर रहते हैं, मॉडिफायर, ठीक है, सीमेंटेशन है, मोटर और रेजिन मोटर है, ठीक है, तो ये सब कुछ हम 3.4 में डिस्कस करेंगे। 3.5 में देखो जॉइंट सीलेंट्स मटेरियल्स है, ठीक है, तो ये सब ये पॉइंट देखेंगे 3.5 में। 3.6 में देखो ग्राउटिंग मटेरियल्स है, ठीक है, जो भी ग्राउटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम 3.6 में देखेंगे। 3.7 में देखो वाटरप्रूफिंग रूफ मटेरियल्स है, वाटरप्रूफिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। और 3.8 में देखो सरफेस कोटिंग मटेरियल्स है, ठीक है, फॉर कॉन्क्रीट प्रोटेक्शन, कॉन्क्रीट के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी सरफेस कोटिंग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम 3.8 में हम देख लेंगे। उसके बाद देखो 3.9 में एडिशनल रिपेयरिंग मटेरियल है, जिसमें प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो भी मटेरियल है सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे 3.9 में। तो इतना सब सिलेबस है यूनिट नंबर 3 में मटेरियल्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए, 14 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट नंबर फोर मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेथड्स फॉर मशीनरी, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए आएगा। जिसमें देखो 4.1 में कॉजेस ऑफ वॉल क्रैक्स है, ड्यू टू बल्गिंग ऑफ वॉल, श्रिंकेज ऑफ वॉल, बॉन्डिंग अगर खराब रहेगा तो भी क्रैक जाते हैं, शेयर एंड टेंशन है, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन है उसके वजह से भी क्रैक जाता है, थर्मल मूवमेंट एंड वेजिटेशन से, ठीक है, तो इसके वजह से मशीनरी वर्क डैमेज हो जाता है, तो वो सब कुछ कॉजेस है, वो सब कुछ हम 4.1 में डिस्कस करेंगे। 4.2 में देखो प्रोबेबल क्रैक लोकेशंस है, सच एज जंक्शन ऑफ मेन एंड क्रॉस वॉल्स है, ठीक है, जंक्शंस ऑफ आरसीसी कॉलम एंड वॉल है, जंक्शंस ऑफ स्लैब एंड वॉल्स है, जहाँ पे क्रैक्स जाते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम 4.2 में डिस्कस करेंगे। 4.3 में देखो स्टेजेस ऑफ रिपेयर्स देखेंगे, 4.4 में रिपेयर टेक्निक्स देखेंगे हम, 4.5 में देखो रिपेयरिंग मेथड्स देखेंगे फॉर माइनर एंड मीडियम क्रैक्स है, 4.6 में रिपेयरिंग मेथड्स फॉर मेजर क्रैक्स उसके लिए हम देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल्ड सिलेबस अपने नोटबुक में नोट डाउन करके ले लो, ठीक है। 4.7 में देखो इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस इन वॉल, ठीक है, डैम्पनेस के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, डैम्पनिंग रिपेयरिंग टेक्निक्स क्या होती है, वो सब कुछ हम 4.7 में डिस्कस करेंगे। 4.8 में देखो कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स भी है उसी के साथ साथ, बाय कॉम्पैक्शन है, इंट्रोड्यूसिंग सैंड पाइल्स है, ठीक है, स्टोन कॉलम्स है एंड ग्राउटिंग सीमेंट स्लरी है, तो उसके बाद उसका यूज करके भी हम जो भी कॉजेस है, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब सिलेबस है 4.1 से लेके 4.8 तक,
यूनिट नंबर 4 में, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए इतना सिलेबस है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेथड्स फॉर आरसीसी 14 मार्क्स के लिए है, जिसमें हम देखेंगे प्रोबेबल लोकेशन ऑफ क्रैक्स इन आरसीसी एलिमेंट। आरसीसी एलिमेंट में क्रैक कहाँ पे जाते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। वेरियस कॉजेस ऑफ आरसीसी फेल्योर वो भी देखेंगे। 5.2 में देखो कॉजेस ऑफ डैम्पनेस देखेंगे इन रूफ स्लैब है, ठीक है, जो भी सिलेबस है वो सब कुछ हम देखेंगे 5.2 में। 5.3 में देखो रिपेयर मेथड्स ऑफ क्रैक्स इन आरसीसी है। 5.4 में देखो रिपेयर ऑफ कोरोडेड आरसीसी एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें एक्सपोजिंग एंड अंडरकटिंग रीबार्स है, क्लीनिंग रीइंफोर्समेंट स्टील है, ठीक है, वो सब कुछ पॉइंट हम 5.4 में डिस्कस करेंगे। 5.5 में देखो रिपेयर मेथड्स फॉर हनीकॉम्ब एंड लार्जर वाइड्स। अगर आरसीसी में लार्जर वाइड्स और हनीकॉम्ब रहेंगे तो उसके लिए किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, हम प्रेशर गन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर GP2 का भी, वो सब कुछ हम 5.5 में हम डिस्कस करेंगे। तो इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 5 में 14 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड बजट 12 मार्क्स के लिए, और उसमें सिलेबस है देखो 6.1 से लेके 6.5 तक इतना सिलेबस है, जिसमें देखो नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड बजट इस्टीमेशन है। 6.2 में देखो डिस्ट्रेस सर्वे है, उसमें उसके बाद डिटेल्ड इंस्पेक्शन है, उसके बाद देखो रिकमेंडेशंस फॉर बजट इस्टीमेशंस है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट हम 6.2 में डिस्कस करेंगे। 6.3 में देखो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड बजट इस्टीमेशन है। 6.4 में देखो फॉर्मेट प्रिपरेशन फॉर स्ट्रक्चरल ऑडिट है, उसके बाद जो भी सिलेबस है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे 6.4 में। 6.5 में देखो ओवरव्यू ऑन रोल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट है एंड बजट इस्टीमेशन एज रिकमेंडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सच एज PWD, ठीक है, सच एज PWD। तो ये है 6.5 में इतना सिलेबस है। तो टोटल सिलेबस 6 चैप्टर में इतना है, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने टोटल सिलेबस डिस्कस किया है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है, जिसमें 6th यूनिट है और 6th यूनिट का यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देख लिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।